ये राजनीति का रंग है जो कि बड़ा चौखा है, किसी पर चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। ये हम नहीं कह रहे बल्कि सियासी पंडित ऐसे गुणाभाग को साफ करते हैं। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और यहां पर ये लिखा हुआ शब्द जो है या कहा जाए ये जो पंक्ति है ये बतलाने के लिए काफी है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। जी हाँ, इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में मेल मुलाकात का दौर लगातार जारी है, जहां एक और केंद्रीय मंत्री के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी के महाराज हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे तो इसे सौजन्य और पारिवारिक मुलाकात जरूर करार दिया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मिलन पॉलिटिक्स यानी कि मेल मिलाप की इस राजनीति का पहला अध्याय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा था। उसके बाद ये क्रम आगे बढ़ा और वीडी शर्मा भी कैलाश विजयवर्गीय से मिलने पहुंचे। ये क्रम यहीं नहीं रुका, इसके बाद भी तमाम बड़े राजनेताओं की मेल मुलाकात का ये जो क्रम है ये अनवरत जारी है। कहा गया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भी अब पुराने जमाने की दूरियां नहीं रही, जो कि अब नज़दीकियों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये जो रिश्ता है ये बड़ा अनूठा है, क्योंकि एक ज़माने में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में जब ये दोनों राजनेता आमने सामने थे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तड़का पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा था। लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही चेहरों में ऐसा दोस्ताना कायम हो गया है जो कि आने वाले कल की किसी सियासी आहट का एहसास भी करा रहा है। आखिर क्या वजह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अंदाज इन दिनों बदला बदला सा है? मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका रंग दिन ब दिन चौखा होता जा रहा है और भगवा रंग में रंगे महाराज इन दिनों तमाम बड़े राजनेताओं से मेल मुलाकात में बिजी नजर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भारतीय जनता पार्टी के एक स्थापित राजनेता के तौर पर भी लिया जाने लगा है। जरूर यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की तमाम अटकलों पर से यहाँ पर कयासों के बादल दूर कर दिए गए हों और तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार नहीं बल्कि दो दो बार ऐसे किस्से और ऐसे सियासी सीन सामने आए हैं जो कि ये बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य की किसी सड़क को यहाँ पर सियासी तौर पर गढ़ने निकल पड़े हैं। आइए पूरी कहानी आपको एमपी न्यूज़ पर दिखाते हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले कैलाश विजयवर्गीय के घर बीजेपी के महाराज का जाना और उसके बाद एमपीसीए जहां पर रणजी के रणबाकुरों का सम्मान होना था उस मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुद मंच से नीचे उतरकर कैलाश विजयवर्गीय को मंच पर लेकर विराजमान कर देना, ये कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा बल्कि जनाब इसके पीछे कोई सियासी पहलू छुपा है। तो देखिए सबसे पहले एमपी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। एमपी में जारी सियासी हलचल के बीच इंदौर में एमपीसीए की ओर से एनुअल अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया था, जिसमें एक बार फिर महाराज सिंधिया यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच गजब का सियासी तालमेल देखने को मिला, जहां मंच से नीचे बैठे कैलाश विजयवर्गीय पर जैसे ही सिंधिया की नजर पड़ी वैसे ही उन्होंने मंच से नीचे उतरकर विजयवर्गीय का हाथ थामा और उन्हें मंच पर लेकर आए, जहां महाराज सिंधिया ने विजयवर्गीय को अपने साथ बैठाया। इतना ही नहीं, इस दौरान महाराज सिंधिया और विजयवर्गीय के बीच मंच पर ही लंबी चर्चा भी चली। कैसी ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय को हाथ थामकर मंच पर लाए और उन्हें अपने पास बैठाया। वहीं इससे पहले दोनों ही दिग्गजों के बीच सियासत के महामिलन की तस्वीर उस वक्त सामने आई थी जब महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे, जहां दोनों ही दिग्गजों के बीच पारिवारिक माहौल के बीच लंबी चर्चा हुई थी। इस दौरान महाराज सिंधिया के साथ उनके सुपुत्र महा आर्यमन सिंधिया भी मौजूद थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयवर्गीय से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने की बात कही थी।
एडवोकेटर अनिल कुंबले, एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री प्रभुराम चौधरी और राजू चौहान समेत तमाम क्रिकेट जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। चलिए अब इस सियासी सीन की सर्जरी यदि हम करें तो कैलाश विजयवर्गीय की ये राजनीतिक शख्सियत है, उनके ये व्यक्तित्व का कमाल है कि जब भी कोई क्रांति लानी होती है या कोई ऐसा मोर्चा खड़ा करना होता है तो कैलाश विजयवर्गीय ही वो राजनेता हैं, वो चेहरा हैं जो कि दबंग और सिंघम अंदाज में उभरते हैं। और सदैव चाहे यहाँ पर अफसरशाही को आईना दिखाने की बारी हो या अपनी ही पार्टी में कोई सुधार लाने की बारी हो, ये क्रांतिकारी अंदाज जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के पास ही है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्र में फिलहाल मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई क्रांति लाने वाले हैं या ये वो कोई आने वाले कल की कोई सियासी आहट है जो कि इन दोनों ही राजनेताओं को दोस्ताना में तब्दील कर गई है? यहाँ पर ये बड़ी पहेली है जिसका हल बूझो तो जाने। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि अब देश की दिल में, यानी कि दिल्ली से लौटकर अब देश के दिल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय नजर आने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भविष्य के गर्त में जरूर छुपा है लेकिन उसकी सियासी आहट अब सुनाई देने लगी है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई ऐसे बयान हैं या कहा जाए उनकी बदली सियासी चाल है जो कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी नज़दीकियों को यूं ही नहीं गढ़ रही बल्कि भविष्य के कुछ संकेतों को भी साफ कर रही है। बहरहाल एमपी न्यूज़ पर हमने ये बताने और समझाने की आपको कोशिश करी कि दो पुराने दुश्मन जो किसी तौर पर राजनीतिक तौर पर विचारधारा की लड़ाई जरूर लड़ते थे लेकिन आज एक ही विचारधारा में दोस्ताना को भी कायम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया हो सकता है इसके संकेतों को भी सियासी तौर पर बयां कर रहे हैं। बहरहाल समझदार को इशारा काफ़ी है। और क्या वाकई में कैलाश के घर यूं ही महाराज चले गए थे या फिर महाराज का मंच से नीचे उतरकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को क्रिकेट के मंच पर ले जाना कहीं कोई सियासी सीन को तो नहीं गढ़ने वाला है? इंतज़ार कीजिए कल तक और लगातार बने रहिए सियासी खबरों के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।